उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में मचा हाहाकार। विगत 10 दिनों से लगातार गंगा की उफनती लहरों व विकराल धाराओं में जनता की सेवा में एनडीआरएफ की टीम लोगों के लिए संकट मोचन के रूप में पहुंची। बाढ़ व कटान पीड़ित परिवार अपने सपने में भी एनडीआरएफ टीम के पूरे जवानों को नहीं भूल पाएगी। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह छत के ऊपर रह रहे लोगों के लिए एनडीआरएफ टीम के जवान एक दूसरे के कंधे का सपोर्ट कर राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रही है। इस साहस भरे कार्यों को देखकर हर जनमानस में एनडीआरएफ की पूरी टीम की वाहवाही हो रही है। अब तक बाढ़ में फंसे लगभग 1900 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमों का निर्देशन कर रहे गोपी गुप्ता और जिलाधिकारी भवानी सिंह के द्वारा प्रभावित गाँवों का दौरा किया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान टीमों का संचालन उप निरीक्षक विक्रम सिंह के द्वारा किया जा रहा है। देखें पूरी रिपोर्ट अनिल सिंह के साथ बलिया। ये सर बताइए कि आप जो है आप लोगों के द्वारा ग्रामीणों को जो है वो किया जागरूक किया जा रहा है कि आपदा में कैसे बचा जा सकता है, किन किन परिस्थितियों में क्या उपाय की जा सकती है, सर क्या आप लोग बता रहे हैं इस संबंध में? देखिए यहाँ पे बाढ़ का पिछले एक सप्ताह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसमें एवोकेशन के अलावा हम लोग जो अंदर व्यक्ति रुके हुए हैं चाहे बाहर हैं, तो उनको बाढ़ के दौरान क्या करना चाहिए, जैसे उबला हुआ पानी का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ORS का इस्तेमाल करें, बासी खाना न खाएं और खाने वाली चीज़ को क्या है कि खुला न रखें, इस प्रकार का प्रिकॉशन। अगर मान लीजिए फ्लड के दौरान क्या होता है कि सर्प दंश का भी ज़्यादा होता है केसेस, तो उस केस में क्या है कि सर्प दंश काटने के बाद आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, उससे संबंधित हम पंपलेट उसको डिस्ट्रीब्यूट कराया गया है और जगह जगह उसको चिपकाया गया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और जागरूक हो, जिससे क्या है कैजुअलिटी जो है कम से कम हो। सर तो इसमें मुख्य रूप से क्या जिसे सर्पदंश हो गया और कोई अन्य चीज़ें जिसे बाढ़ क्षेत्र में कैसे बचा जा सकता है, अगर मान लीजिए कहीं इस तरह से आप फंस जाते हैं तो? सर्पदंश में देखिए सबसे बड़ा क्या है कि एक मिथ्या बनी हुई है कि लोगों के पास क्या है कि सांप काटने के बाद ये सोचते हैं कि इसको सांप काट लिया ये बचेगा नहीं, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं किसी बाबा के पास ले जाएं झाड़ फूँक करवाएं, तो उसमें समय न बर्बाद करें, क्योंकि आज के डेट में एंटी जो इंजेक्शन है वो बन चुके हैं, और कम से कम समय में उसको हॉस्पिटल ले जाएं, उस पर किसी प्रकार का चीरा न लगाएं और ना ही उसके ऊपर ऐसा टोर्निकेट करें जिससे उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए। अगर ज़्यादा टोर्निकेट लगा देंगे और उसको समय से आप अगर नहीं खोलते हैं तो क्या है वो पूरा अंग क्या होता है कि खराब हो जाता है। जी इस प्रकार का उसमें क्या है कि पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, धन्यवाद।